19 इज वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है आपका एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ भाई, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? जीरो। यही बात हमने सॉल्यूशन में लिख दी कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा? इस कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और उसको उठा के हम किसके इक्वल रख देंगे? जीरो के इक्वल। मतलब बात समझ रहा? देखो, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा? 2x x के रिस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर को करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2y, पहले वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का करोगे तो dy by dx माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट में 2, और माइनस 3 कॉन्स्टेंट उसका हो जाएगा 0। ये हो गया। अब यहाँ से dy by dx अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू, ये 2 जाएगा पहले राइट में और ये 2x आएगा लेफ्ट में, ठीक है, इतना हो गया। और आगे क्या था? आगे आपके पास 2 आया था, तो डिवाइडिंग कर दो बोथ साइड किससे? 2y से। तो जब हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड 2y से, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये कट जाएगा और ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस एक्स और अपॉन में वाई। अब एक बात बताओ, ये जो dy by dx है, ठीक है, ये dy by dx ही क्या बताता है? स्लोप को बताता है। बच्चे बोलेंगे एट x इज इक्वल टू x नॉट पे बताता है, रख दो x की जगह x नॉट, मैं नहीं रख रहा हूँ। अगर मैं इसी को स्लोप मान लूँ, क्योंकि बात समझो ना, इसको अगर मैं स्लोप मान लूँ और इक्वल टू जीरो रख दूँ, क्योंकि dy by dx एट अ गिवन पॉइंट, मान लो गिवन पॉइंट x और y है यार, नहीं तसल्ली हो रही है तो लो ऐसा कर लो, dy by dx एट x नॉट एंड y नॉट, ऐसे कर लो। अरे रखोगे तो x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट रख दोगे तो आएंगी तो x नॉट y नॉट की वैल्यू या x और y की वैल्यू, बात क्या है, सेम है ना। तो यही जो डेरिवेटिव होता है, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, कहाँ? x और y पे, और यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? जीरो है। तो इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट्स है हमारी x एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्चुअल में हम नीचे करेंगे ऐसा, 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0 हमने रख दिया, यही स्लोप था x और y पे, ठीक है, तो ये 0 है। अब सुनो, इसकी रीजनिंग करो कैसे, नीचे वाला पोर्शन तो 0 हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली यार समथिंग अपॉन 0 है तो ऊपर वाले पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब 2 तो 0 होता नहीं है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स 0 है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स 0, तो 2 तो होता नहीं 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स, क्योंकि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब पहला 0 हो या तो दूसरा, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो जब एक्स की वैल्यू 1 है, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे इस एक्स को उठा के हम कहाँ रख देंगे? कर्व में। तो वाई की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि भाई जो टेंजेंट पास कर रहा होगा, ठीक है, सोचो ना, जो टेंजेंट पास कर रहा होगा जिस पॉइंट से, ये भी समथिंग, यहाँ पे भी ये x, y है और ये भी कोई x, y है, ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी, यानी कि ये जो x आया है ये किसको सेटिस्फाई करेगा? कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपने कितना रखा इसमें? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 1, 2 आ गया, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस 5 राइट में जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 5, और 1 को भेजोगे उधर तो 5 माइनस 1 4, और y इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2, यानी कि x तो एक ही आता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1, बट y इज इक्वल्स टू क्या है? प्लस माइनस 2। इसका मतलब x जब 1 है तो एक बार y इज इक्वल्स टू हम प्लस 2 लेंगे, और x जब 1 है तो y इज इक्वल्स टू हम माइनस 2 लेंगे। इसका मतलब कि कर्व पे दो पॉइंट ऐसे हैं, कौन कौन से? 1, 2, ये देखो 1, 2 और 1, -2, जहाँ से जाने वाली टेंजेंट x एक्सिस से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसका आपको मैं ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका ये कर्व एक सर्कल आएगा, पता है? अब पता नहीं आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वैसे तो CBSE के सिलेबस में ही नहीं है। एक्चुअल में सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का कुछ ये कर्व का इक्वेशन दिया था, तो इसको हमने जब प्लॉट किया तो ये आपका एक सर्कल आया, ठीक है। अब इस सर्कल में आप ध्यान से चेक करिए कि एक टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका x x डैश है, वो टेंजेंट यहाँ से जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये ऐसे क्या, तो ये टेंजेंट जो पास हुआ है ये कहाँ से पास हुआ है? चेक करो, ये पास हुआ है 1, 2 से, ये वाला पॉइंट क्या है? 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो ये 1, 2 और 1, 2 से ही पास होने वाले को हमने क्या बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब दूसरा टेंजेंट देखिए, दूसरा टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल होगा वो यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है, तो ये जो पास हुआ ये वाला टेंजेंट, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है आपके, ये हो गया आपका क्या,
वन कॉमा माइनस टू, तो वन थोड़ा सा एग्जैक्ट वन यहाँ कहीं आ रहा है, समझिए जरा, वन कॉमा माइनस टू, एक्स पे वन और वाई पे माइनस टू, तो वन कॉमा माइनस टू, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है इसका, कर्व का ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है आपको, कर्व वर्व नहीं बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, बस मैं विजुलाइज आपको कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, बाकी तो ये आपने आंसर कर ही दिया।